बीजेपी कहेगी क्या, बीजेपी और क्या कह सकती है यार। बीजेपी के पास कोई एजेंडा तो है नहीं काम का। आपने सुना है कभी इन्होंने मंच के द्वारा खड़े होकर कहे होंगे ये काम मैंने किया, ये काम अधूरा रह गया है? उनका एक ही एजेंडा है आलोचना, आलोचक वो लोग हैं। इस बार जवाब जनता देगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं हमजा अब्बास। देखिए 24 जनवरी को जो है वो कर्पूरी ठाकुर की जयंती है, जिसको लेकर के जेडीयू जो है वो काफ़ी जज्बाती है और जोश से भरी हुई है। कर्पूरी ठाकुर के कामों को जो है जेडीयू तमाम जो है बिहार के जितने शहर हैं उन सभी में बता रही है जा जा करके। आज जेडीयू दफ्तर में जो है बिहार सरकार के मंत्री जमा खान के जरिए से मीटिंग बुलाई गई थी 24 जनवरी को, जो कर्पूरी ठाकुर की जयंती है उसी हवाले से। जब हम लोगों ने इस मामले पर बिहार सरकार के मंत्री जमा खान से सवाल किया तो क्या कुछ कह रहे हैं जमा खान, आप पहले वो सुनिए। ये तो आप जानते हैं बैठक किस लिए हुई है। ये बैठक 24 तारीख को जो कर्पूरी ठाकुर जयंती समारोह है उसमें बड़े पैमाने पर अखिलेश माइनॉरिटी के भी लोग आ रहे हैं। ये बैठक की गई है कि कैसे आएंगे, क्या व्यवस्था होगा, लेकिन हर लोगों का यही आवाज़ था कि नेता नीतीश कुमार जी के लिए हम लोग कहीं से भी रहेंगे, हम लोग अपने साधन अपनी व्यवस्था से आएंगे। लोग बढ़ चढ़ कहीं से जा रहे, जो हमारे माइनॉरिटी के अकलियत के लोग हैं वहाँ रहें। जो आपने मीटिंग में देखा भी होगा, जोश खरोश आगे भी जोश खरोश बना रहेगा। 24 तारीख को मुझे लगता है कि लाखों लोग आने की संभावना बन रही है माइनॉरिटी का। सर, 10 सर्कुलर पर कल नीतीश कुमार गए थे, कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है इंडिया गठबंधन के लोगों से जो है वो नाखुश हैं, उनको लेकर के जो मीटिंग में बैठक में कोई नतीजा नहीं सामने आ रहा। ये कौन कह रहा है, या फिर लोग यहाँ से मैसेज हम लोग भी सुन रहे हैं, हम लोग उसमें रहने वाले हैं, उसमें सदस्य मैं भी हूँ, मैं MLA हूँ, मिनिस्टर हूँ, कहीं से कोई सूचना ही नहीं है। लेकिन बातें कहाँ से अफवाह हो जाती है हमें नहीं समझ में आता। लेकिन आप जानिए महागठबंधन के हम लोग पूरे परिवार जितने भी लोग हैं हम एकमुश्त हैं और हमारी एक ही लड़ाई है परिवर्तन, देश से परिवर्तन होना चाहिए ताकि संविधान बच सके, लोकतंत्र पे खतरा है और खतरा टल सके। बीजेपी ये कह रही है कि कांग्रेस जो है समाजवादियों के साथ ऐसे इस्तेमाल करती, यूज करके छोड़ देती है नीतीश कुमार के साथ। बीजेपी कहेगी क्या, बीजेपी और क्या कह सकती है यार। बीजेपी के पास कोई एजेंडा तो है नहीं काम का। आपने सुना है कभी इन्होंने मंच के द्वारा खड़े होकर कहे होंगे ये काम मैंने किया, ये काम अधूरा रह गया है? उनका एक ही एजेंडा है आलोचना, आलोचक वो लोग हैं। इस बार जवाब जनता देगी, मैं कुछ नहीं कहूंगा। ईडी की तरफ से ये बयान आया है सर कि नीतीश कुमार जो है वो लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं। सर, ये कौन कहा, कौन सी आवाज है? RJD के MLA कहे हैं। कौन से कहे, तो मैं नहीं सुना हूँ। बीजेपी ये कह रही है सर कि सीट बंटवारे को लेकर के जो है नीतीश कुमार काफी खफा है इंडिया गठबंधन के लोगों से। सर, वो हमारे घर की बातों किसे जान गए, उनसे कौन कहने गया, पहले वो तो बताएं। उन्होंने जो 9 साल जो उन्होंने झूठा बयान देते रहे, झूठ बोलते रहे, धोखा देश को देते रहे, जो काम का वादा किया था, वो अपनी बात तो बताएं। ये क्यों डाइवर्ट करते हैं, अपने को आलोचना किसी और करते हैं, अपना खुद देखें, झांके अपने अंदर। हम ये कहना चाहते हैं, चूँकि हम लोग आलोचक नहीं, आलोचना नहीं करना जानते, हम लोग काम करना जानते हैं। हमारे नेता ने बताया, सिखाया हम लोगों को काम करो, हम लोग काम करते हैं। बिहार के अंदर हमने काम किया जो आपने देखा है, हम आए तक आलोचक नहीं ना आलोचना करते हैं। वो लोग आलोचक हैं, आलोचना करना जानते हैं। 24 का चुनाव में डर चुके हैं लोग, जानते हैं इसी नेता के नेतृत्व में चुनाव होगा तो हम लोग बीजेपी के लोग हारेंगे, इसलिए डर बना हुआ, हमेशा आलोचना ही करते रहते हैं। हम ये कहना चाहते हैं कम से कम वो बात को बताएं, कौन काम किए कौन नहीं किए। जीतनराम मांझी का ट्वीट आया है सर कि बिहार में अब नई सरकार बहुत जल्द आने वाली है, सर कैसे देखते हैं इसको? सर, क्या जीतनराम मांझी का ट्वीट आया है कि खरमास के बाद अब बिहार एक नई, अपने मियां मिट्ठू बनना है, अपने मुंह से कहना है, कुछ भी कहते रहें, मैं अपने मुंह से कहूं कुछ भी कहूं, जनता की आवाज़ क्या है, जनता क्या कर रही है, आप ज़्यादा कोई नहीं जानता है। आप हम सब लोग मीडिया के साथ ही, आप सब लोग जानते हैं। आज हमारे नेता ने जैसे बिहार के अंदर काम किया है, देश के लोग चाहते हैं कि नेता ये आगे बढ़े और देश में भी काम करें, क्योंकि यह पहले देश के नेता हैं। हमें लगता है कि जिन्होंने कभी भी न परिवारवाद किया है, न जातिवाद किया, न धर्मवाद किया, उन्होंने हमेशा मानवता नैतिकता को देखते हुए, भाईचारा मोहब्बत को देखते हुए उन्होंने विकास किया है। इसलिए मुझे उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि हमारे नेता जब आगे बढ़ेंगे, अगर दिल्ली पहुंचेंगे, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में देश में परिवर्तन होगा। जब देश में परिवर्तन होगा तो मन चैन शांति रहेगी और विकास भी होगा। जैसा कि आपने सुना कि जमा खान ने साफ साफ कहा है कि हम लोग कर्पूरी ठाकुर की जयंती को मनाने के सिलसिले से जो है आज बैठक की गई थी, जिसमें हम लोगों ने ये भी पूछा कि RJD की तरफ से ये बयान आया है कि नीतीश कुमार जो है लालू प्रसाद यादव के आशीर्वाद से जो है मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिस पर जमा खान ने चुप्पी साध ली, कुछ बोला नहीं। जमा खान ने यह हवाला दिया कि हमने इस बयान को सुना नहीं है। साथ ही साथ जब जीतनराम मांझी के ट्वीट पर उनसे सवाल किया गया तो जमा खान ने साफ साफ कहा है कि ये लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, हम लोग काम करते हैं। आपने देखा है कि हमारे नेता ने बिहार के लिए कितना काम किया है, और अगर वो दिल्ली जाएंगे तो बिहार और आगे तरक्की करेगा और बिहार जो है काफी तेजी से काम करेगा अपने आवाम के लिए। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए भारत लाइव। शुक्रिया। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली ओजे को घंटी बाद।
ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।